तो हे गाइस, दिस इज राकी बुल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि व्हीकल चालान ऑनलाइन कैसे पे किया जाता है। अगर ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काटता है तो उस चालान का पेमेंट आप कैसे ऑनलाइन पे कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ, सो वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो गाइस, व्हीकल का चालान ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आपको गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। उसके बाद आपको यहाँ सर्च बार में आके टाइप करना है www.parivahan.gov.in टाइप करना है। और टाइप करने के बाद जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने परिवहन सेवा का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो इस तरह से खुल के आ जाएगा। तो आपको यहाँ व्हीकल चालान ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है, ठीक है। तो नीचे यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा, अदर्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो इसमें एक ऑप्शन मिलेगा ई चालान सिस्टम, ठीक है। तो ई चालान सिस्टम में आपको यहाँ नीचे मोर का ऑप्शन मिलेगा, इसमें क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप यहाँ मोर में क्लिक करेंगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे दूसरे पेज में और आपके सामने इस तरह इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा पे ऑनलाइन करके, तो इसमें आपको क्लिक करना है व्हीकल चालान ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे ऑनलाइन में क्लिक करता हूँ। और यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ आपको तीन ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि आप चालान नंबर से पेमेंट कर सकते हैं, उसके बाद यह व्हीकल नंबर यानी गाड़ी का नंबर डाल के भी ऑनलाइन चालान पेमेंट कर सकते हैं, उसके बाद यह DL से भी यानी ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर से भी पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन इनमें से सबसे आसान तरीका है व्हीकल नंबर डाल के पेमेंट करना, ठीक है। तो मैं यहाँ व्हीकल नंबर सिलेक्ट करता हूँ। व्हीकल नंबर सेलेक्ट करने के बाद यह आपको गाड़ी का नंबर डालना होगा, जो भी आपका गाड़ी का नंबर है जिस गाड़ी का चालान हुआ है, ठीक है। तो चलिए मैं यह गाड़ी का नंबर डाल देता हूँ। और गाड़ी का नंबर डालने के बाद आपको नीचे दो ऑप्शन मिलेगा, या तो आपको चेसिस नंबर का लास्ट 5 डिजिट डालना है, या आप अगर चाहे तो यह इंजन नंबर का लास्ट 5 डिजिट भी डाल सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एक नंबर लास्ट 5 डिजिट डालना है। तो चलिए मैं यहाँ सेसिस नंबर का लास्ट 5 डिजिट डाल देता हूँ। तो वह सेसिस नंबर का लास्ट 5 डिजिट डालने के बाद आपको ये जो कैप्सा कोड मिलेगा, इस कैप्सा कोड को नीचे आपको फिल करना है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ कैप्सा कोड डाल देता हूँ। और कैप्सा कोड डालने के बाद आपको यह गेट डिटेल्स में क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ गेट डिटेल्स में क्लिक करता हूँ। और जैसे ही गेट डिटेल्स में क्लिक करेंगे तो आपका गाड़ी का जो नंबर है, नंबर के अगेंस्ट कितने बार चालान हुआ है वो यहाँ शो हो जाएगा। जैसे कि यहाँ दो चालान शो हुआ है, एक पेंडिंग दिखा रहा है पहला वाला, और दूसरा वाला जो है यहाँ डिस्पोज दिखा रहा है, यानी डिस्पोज वाला मैंने पेमेंट ऑलरेडी कर दिया है। पेमेंट करने के बाद आप यहाँ से रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं पेंडिंग वाला जो चालान है इसे पेमेंट करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे नाउ लिखा हुआ है, इसमें क्लिक करना है। उसके बाद यह है कोई भी एक मोबाइल नंबर डाल देना होगा आपको, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ एक मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। और मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यह सेंड OTP पर क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ सेंड OTP पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करेंगे तो मोबाइल नंबर पे जो है एक OTP चला जाएगा, वो OTP यहाँ आपको डाल देना है, ठीक है। तो चलिए मैं OTP डाल देता हूँ जो अभी अभी मेरा मोबाइल में रिसीव हुआ है। तो OTP डालने के बाद आपको यह सबमिट पर क्लिक करना होगा। और जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह इंटरफेस आ जाएगा पेमेंट गेटवे वाला। तो आपको यहाँ से सिलेक्ट में क्लिक करके पेमेंट गेटवे सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको SBI ईवे मल्टी बैंकिंग सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ एक बॉक्स मिलेगा, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। उसके बाद यहाँ कंटिन्यू में क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू में क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ तीन चार ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, उसके बाद नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, उसके बाद यह UPI ऐप जैसे फोन पे गूगल पे से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका है फोन पे गूगल पे से पेमेंट करना। तो मैंने यहाँ सिलेक्ट किया UPI। उसके बाद UPI ID डाल के वेरीफाई में क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और दूसरा वाला जो है UPI QR कोड, इसमें क्लिक करके पे नाउ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यह एक QR कोड जनरेट हो जाएगा, ठीक है।
तो इस तरह क्यू आर कोड आपके सामने आ जाएगा। तो आप यह गूगल पे या फोन पे ओपन करके इस क्यू आर कोड को स्कैन करके पे कर सकते हैं। तो चलिए, मेरे पास फोन पे, गूगल पे, पेटीएम भी है, तो मैं यहाँ यू पी आई ऐप ओपन करके पेमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो यू पी आई ऐप ओपन करने के बाद आपको इस क्यू आर कोड को स्कैन करना है। स्कैन करके जैसे ही आप पेमेंट कर देते हैं, जैसे कि मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है, और पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे दूसरे पेज में। और यहाँ देखिए, चालान पेमेंट हैज़ बीन रिसीव सक्सेसफुली लिखा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका पेमेंट जो है सक्सेसफुल हो जाएगा। सक्सेसफुल होने के बाद आपको यहाँ नीचे प्रिंट योर रिसिप्ट, इसमें क्लिक करके आप रिसिप्ट को प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो चलिए, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ प्रिंट योर रिसिप्ट में, और यहाँ क्लिक करने के बाद आपका जो आपने जो पेमेंट किया है चालान का, उसका रिसिप्ट आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं या प्रिंट आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ प्रिंट में क्लिक करके। तो वैसे इस तरह से जो है आप व्हीकल चालान ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियोस पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो ज़रा सा पसंद नहीं हो, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।